उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बच्चों के घर में घुसकर निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के दूसरे हत्यारे जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। जावेद को बरेली से गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक जावेद आयुष और आहान की हत्या के बाद दिल्ली भाग गया था। इस हत्याकांड में शामिल साजिद को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया। आयुष और आहान की हत्या के बाद से जावेद फरार चल रहा था। जावेद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। जावेद दिल्ली से आकर बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था। पुलिस जावेद को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी, लेकिन हाथ नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और उसने जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देर रात सैटेलाइट बस अड्डे पर स्थानीय लोगों ने जावेद को पकड़कर पुलिस को सौंपा। इसके बाद बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया। जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जावेद इस वीडियो में कह रहा है कि वो सीधा शरीफ आदमी है, उसके बड़े भाई साजिद ने यह हत्या की है और उस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है उसका। जावेद वीडियो में खुद को पुलिस के हवाले करने को कर रहा है। जावेद ने कहा कि जिनकी हत्या हुई उस घर से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा तो मैं मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी सुनो। जैसे कहने देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो इसका तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है, 12 दिन ले चलो। अरे खबर पूरा मुझे भाई पुलिस की आवाज लगा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद मेरे दोस्त भाई। हाँ मोहम्मद जावेद है। आईडी कार्ड चले बदायूं जिले अपना फोन का पीछे घूम देखो देखो पीछे तो घूमा। हां सही है, देखा मुझे जे इनकी रुका। इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, धूप वो फोटो स्टेट गंदी आई है, दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो मामा नहीं था मेरे भाई ने करा। क्यों उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक ये ही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? दो लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ चौकी ले चलो। बता दे की आयुष और आहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाली बातें सामने आई। दोनों बच्चों पर मल्टीपल शार्प वेपन से वार किए गए। आयुष के शरीर पर 14 और आहान के शरीर पर 9 वार किए गए, यानी कि दोनों के शरीर पर कुल 23 वार किए गए थे। गर्दन पर वार करने के बाद दोनों बच्चों की पीठ, छाती और पैरों पर मल्टीपल शार्प वेपन से वार किए गए। पैरों पर इस तरह के वार मिले हैं जैसे जब कोई भाग रहा हो और उस समय उस पर वार किए गए। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया ब्यूरो बताऊ उत्तर प्रदेश। देर रात आपके बच्चों की साजिद नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी थी, नाई था, क्यों मार दिया, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं था, दुकान पे आया था, दुकान पे 3 क्लेचर लिए और मुझे पैसे दिए और फिर बोला भाभी 5,000 रुपये तुम उधार दे दो, कुछ आपकी मदद चाहिए। तो मैंने 5,000 निकाले उसे दे दिए। वो लेके आके वहाँ पे खड़ा हो गया, बोला भाभी मेरे भाई वो हॉस्पिटल में भर्ती है जनानी अस्पताल में, मुझे उसकी डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया है। मैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनसे पापा से बात की बच्चों के, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दे देगा, सुबह दे ही देगा, दे दो अच्छे हैं कोई दिक्कत ना। तो मुझे मुझसे तो कोई इनकी दुश्मनी थी नहीं, अब इनसे करवाया गया हो या क्या है अब वही जान सकता है, उससे पूछा जाए, जावेद बताएगा क्या हुआ क्यों इसने किया। जावेद बाहर खड़ा हुआ था। हाँ, तो ये चाकू लेके अंदर आया था या घर से चाकू लिया था? ये चाकू था उस टाइम ढुकाया था पर इसके हाथ में नहीं था। अच्छा, आपने चाय बनाने गई थी उसको उसके लिए? हाँ। फिर क्या किया? बोला कि मुझे 11 बजे का टाइम, हमने कोई बात नहीं थोड़ी देर बैठो अभी चले जाना चाय पी लो। तो वो आए उसको लेके ऊपर गया पार्लर में, वहाँ से उसे बहलाते हुए ले गया ऊपर, ऊपर ले जाके उसने कमरा ऊपर गेट बंद कर लिया।
तो पहले आयुष को मारा? पहले आयुष को मारा, उसके बाद मेरे छोटे को मारा। और तीसरे जो बेटा था वो कैसे? उस पे हमला किया, वो बच गया। उसने उसका चाकू फेंक दिया, गिर गया तो उसने दूर फेंक दिया। चाकू फेंकते ही वो धड़बड़ा गिरते हुए आया नीचे। क्या चाहती हो आप? क्या चाहती? मुझे उसकी मौत चाहिए, पहले उससे पूछताछ की जाए हमारे सामने, जावेद से। जावेद से कि उसने क्यों ऐसा किया, कोई रंजिश थी क्या थी? नहीं, हमारी कुछ नहीं थी भाई, तो कह रहे हैं तब उससे पूछ जाए, पूछताछ की जाए इस बात की कि हमारा आखिर उसने क्यों किया है, किसी ने करवाया है, उसने खुद किया है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? नालाकाना। क्या मामला है जो दो आपके बच्चों की हत्या हुई है? मामला कुछ नहीं था, खाली वो लड़के आए थे पैसे मांगने, 5,000 रुपए मांगे थे। जी, ये कहा कि भाभी 5,000 रुपए दे दो, हम कल आपको वापस कर देंगे। तो हमको फोन किया हमारी मैडम ने, तो हमने की कोई बात नहीं, दे दो, दे देंगे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करीब का है, रोज भाई आना जाना उसका है, तो बोले हम सुबह दे देंगे। तो उसको पैसे भी दे दिए, पैसे देने के बाद जो है वो बड़ा वाला लड़का जो हमारा था आयुष, उसके साथ बोला कि चलो भैया ऊपर चलते हैं घूमने, तो चला गया साथ में बड़ा वाला। तो छोटे वाले से उसने कहा कि पानी ले आना हन्नी हमारे लिए, तो हन्नी पानी लेने गया था, और उसने क्या कहा, बड़े वाले को वहीं ख़त्म कर दिया, फिर छोटे वाले को उसने वहीं पकड़ लिया। जब बीच वाला गया वहाँ, देखे वो उसको काट रहा है उससे चाकू से, तो काट रहा, तो उसने देखा कि भैया भी काट रहा, तो मम्मी को बोला कि आगे मम्मी वहाँ ऊपर मत जाना, तो भैया उसको काट रहा है। तब वो मम्मी भाग के गई, तो भब्बर मचाया, तब जो उसको गिरफ्तार किया, पकड़ा गया। अच्छा, हाँ। आप कहीं बाहर रहते हो क्या? जी, मैं बाहर रहता हूँ, मैं मोहम्मदी भाई साहब। क्या करते हो? ओवर हेड टैंक का काम करता हूँ। अच्छा, ये लोग पहले से आते जाते थे? नहीं नहीं नहीं, वो सामने दुकान थी नाई की। अच्छा, उसके बच्चे बाल कटिंग करते थे, करवाते अपने, जो हम भी कभी कराते थे, मालूम रहते वही दरवाजे की दुकान थी हमने की। कभी पहले से कोई दुश्मनी में कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं दिमारी। ये कहाँ के रहने वाले? ये सकानू रहने वाले। क्या चाहते वो जी? क्या चाहते वो? चाहते ही न्याय, हमको उसका वो न्याय मिलना चाहिए। और पहले जो है कोशिश ये रही कि हमारी जो है उन्हें पकड़ा जाए, एक रह गया जो, उसे पकड़ के उसे पूछताछ कीजिए, मतलब जो कि भाई क्या समस्या थी तेरी, क्यों हमारे बच्चों को मारा है। कितने वर्षों से दुकान चला रहा था वो? वहाँ पे दुकान तो हमारे अभी साल हो गए, लगभग हो गए 3 साल।